नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद, 5 साल बाद बहुत बेहतरीन पद, लेकिन मिला क्या? निराशा। क्यों निराशा? क्योंकि इन्होंने एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की। हालांकि देखा जाए तो तमाम चैनल, तमाम लोग, टीम परीक्षा प्लस आपके साथ हमेशा खड़ा था, इस बार भी खड़ा है। और हमने तो ये भी आपसे कहा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप आइए भर्ती बोर्ड के सामने, जैसे हमने यूपीएसआई एएसआई में अपनी बात मनवाई थी, उसी तरह हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 60,244 उन सभी अपने भाइयों के लिए कहीं ना कहीं एक जो लड़ाई है वो लड़ेंगे और एज रिलैक्सेशन दिलवा के रहेंगे। हालांकि आप में से बहुत सारे भाई कहीं ना कहीं इसके लिए याचिका वगैरह दायर कर दिया, जैसा मैंने आपको बोला था कि कुछ कोर्ट केस तो जाना है, तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए, जहां भी आपने हक की लड़ाई है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 7,240 पद, एज रिलैक्सेशन, मामला कोर्ट में, फुल डिटेल क्या है आप देखोगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, आयु सीमा में छूट देने का मामला क्या है, इस चीज को मैं पूरा अच्छे से आपको बता रहा हूं, ये उम्मीद आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, पहुंचा छूट सीमा, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, ये आप देख सकते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, आयु सीमा में छूट देने का मामला। प्रयागराज के यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। सर्वेश पांडे और अन्य 28 प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट के लिए अर्जी दाखिल की है। याचिका पर शीतावकाश के बाद सुनवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शीतावकाश के बाद सुनवाई होगी और आपके पास केवल 21 दिन का फॉर्म भरने का है और पेपर भी आपका 11 फरवरी का हो जाएगा। एक चीज तो मैं आपको दूंगा कि आप बोलूंगा कि आप जाओ, जो भी कोर्ट केस कर सकते हो जाइए कोर्ट केस करिए, उसमें जो भी परीक्षा प्लस मदद कर सकती है वो पूरा मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन और हालांकि ऐसा कई बार देखा गया कि जो याचिक होते हैं उन्हीं को कई बार रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जाके एक बार कोर्ट केस तो कर ही दो। दूसरी बात यह है कि सबसे जो कम समय में अगर आप इसका इफेक्ट चाहते हो तो सबसे बेहतरीन है कि आप पुलिस भर्ती बोर्ड जो लखनऊ में है आपका विधानसभा मार्ग पे, वहां पे जाइए, टीम परीक्षा प्लस से एकदम कोऑर्डिनेट करिए। मैं इसके लिए एक अलग से डेट भी दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आप में से कौन भर्ती बोर्ड मेरे साथ आने को तैयार हैं। जब तक आप मेरे साथ नहीं आओगे तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए या फिर आप नॉट डिटेल दीजिए, वहां पर पब्लिकली हो जाएगी। नंबर हमारे चल रहे हैं, मैं नंबर आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, आप इस पे 9129697080 इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हाँ सर मैं तैयार हूँ, या फिर आप 9450006007 आप पूरी अपनी डिटेल दे दीजिए और हम लोग यहाँ पे भर्ती बोर्ड पे एक समय आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नीचे लिंक लगा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप बना के लिंक लगा दूंगा कि भर्ती बोर्ड जिसे भी चलना है उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, वहीं से पूरा का पूरा संवाद हो जाएगा। तो एकदम इसमें रिलैक्स बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है, जो हो सकता है वो सारे कर डालिए, आप कोर्ट भी जाइए, भर्ती बोर्ड भी चलिए, ट्विटर कंपेन भी करिए, साम दाम नटबे के लिए, लेकिन हमें अपने हक की लड़ाई है उसे हमें करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग टीम परीक्षा प्लस के साथ भर्ती बोर्ड चलने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आपकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम की, लखनऊ चलो के नाम से वो होगा, यूपी कांस्टेबल लखनऊ चलो, और उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, सारी चीजें वहां पे मैं आपको बताऊंगा। फिर मिलूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत-बहुत आभार।